Hi guys, welcome back to our YouTube channel. So guys, जैसा कि आपको पता है जो तेरे बिन ड्रामा है वो काफी ज्यादा मतलब हाइप में चल रहा है इस टाइम, और उसका मेन रीजन उसके दोनों कैरेक्टर्स हैं, दोनों जो मेन हमारे मतलब एक्टर्स हैं वो है. तो अभी हम यहाँ पे तो आज जो हमारी वीडियो होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरव्यू विद बहार जली. अभी हमने रिसेंटली यमुना जैदी के साथ इंटरव्यू पे रिएक्ट किया था एंड ओ माय गॉड वी लव्ड हर पर्सनालिटी सो मच. और हमने बहार जली का हानिया मेरे साथ एक इंटरव्यू देखा है फुशिया वाला, है ना. हाँ, हमने देखा है एंड ही इज ऑल्सो अ जेंटलमैन. बट अभी इस इंटरव्यू में देखते हैं कि बेसिकली वो क्या बताने वाले हैं और क्या मतलब क्या कहेंगे वो. ये छोटा सा स्निपेट है गाइस इंटरव्यू को, क्योंकि जो ओरिजिनल इंटरव्यू है दैट इज वेरी लॉन्ग, बट ड्यू टू कॉपीराइट रीजंस हमने ओरिजिनल वीडियो नहीं ली है. सो दिस वीडियो इज बाय चैनल कॉल्ड कॉल मी हीरा, तो क्रेडिट्स टू हर. यस, एंड देखने वाले हैं अभी से फटाफट रिएक्शन देखते हैं, मतलब रिएक्ट करते हैं. और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारी छोटी सी फैमिली को ज्वाइन कर लो. यस गाइस, एंड वी आल्सो हैव अनदर चैनल जिसका आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, उस पर भी हमने बड़े मजेदार रिएक्शन डाला हुआ है गाइस, तो फटाफट जाके वो भी देखो. यस, लेट्स जस्ट गो. उन्होंने साथ में बोला लड़की, आई थिंक वैसे भाई बायस ने बहुत मोहब्बत करते हैं उससे, वो सब उनको कह रहे थे. उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल इस वक्त बायस नहीं हो रहा. उन्होंने कहा आपकी वॉक को तो मैं 10/10 दूंगा, और वो जो खामोश रह के लड़के ने आंखों से अदाकारी की है उस पर भी वो छा गया. ये मैं उनके अल्फाज बता रही हूँ, आगे और भी चीजें. फिर उन्होंने कहा कि वहाज को जो है इस ड्रामे में वार्डरोब का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए. वार्डरोब उन्हें इतना, वो कह रहे कि इतना अपीलिंग मुझे नहीं लगा. तो बहुत वैसे भाई ड्रेसिंग इतनी अच्छी है, अगर मैं उस तरह से देखूँ तो आई थिंक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. तो उन्होंने एक मशवरा भी दिया आपके लिए, उन्होंने कहा ये जॉब जो है ना ये किसी के हाथ में नहीं, अपने हाथ में रखो. तो आपने कॉस्ट्यूम्स पर वार्डरोब पर कुछ किया या बस? नहीं नहीं, ये किसी के हाथ में नहीं था, ये मेरे हाथ में ही था. तो अगर कहीं से कुछ कमी रही भी है तो वो मेरी तरफ से ही रही है. अच्छा, अच्छी बात है कि उन्होंने पॉइंट आउट किया है. और अगर नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा कैरेक्टर मैं करूँगा तो ख्याल रखेंगे, उन्हीं को फोन करूँगा, उन्हीं के कपड़े ले आऊंगा. मेरा ख्याल है उनके पास इतने सारे हैं, क्योंकि मैं भी फोन करता हूं उनको, ये 15 दिन का जो स्पेल ले गया उनके कपड़े पहन दो. अच्छा, बुशरा आपा जो है वो आपकी मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं इसमें, और दोनों माँ बेटे बड़े जिद्दी नजर आ रहे हैं, तो वैसे कैसी बॉन्डिंग है दोनों की? बहुत अच्छी है. बुशरा आपा तो हंसाती रहती हैं हर वक्त, मैं उन्हें तंग करता हूं, मुझे तंग करती हैं, मार धाड़ कर रही हैं फुल बुशरा आपा इस ड्रामे. लेकिन बहुत कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जैसा स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं हम लोग. ओके, वो तो गाइस हमें पता ही है, कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं तो हम लोग थोड़े से वैसे हो गए हैं रियल लाइफ में भी. अच्छा, गुस्सा आने लगा है आपको? मैं सबसे पहले यही पूछ रहा हूं. बिल्कुल, अब आने लगा है क्योंकि रिफ्लेक्ट करते हैं ना कैरेक्टर्स आपकी लाइफ पे उस तरह से जब आप उस टाइम में जब आप प्ले कर रहे होते हैं. लेकिन बहुत मजा आया कास्ट के साथ. मुर्तसिम की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? मुर्तसिम इज वेरी लॉजिकल. आपने अगर उससे कुछ कोई चीज़ बा किसी भी कोई भी बात मनवानी है तो आप उसको लॉजिक के बगैर नहीं मनवा सकते. और अगर आप अगर वो उसने कोई गलती भी कर दी है तो बहुत आराम से मान जाएगा अगर आप उसको लॉजिकली समझा देंगे कि इस वजह से ये गलती तुमने की है. आई थिंक हर इंसान को ऐसा होना चाहिए. ओके गाइस, सो जो इनका इंटरव्यू था वो काफ़ी छोटा सा था, बट गाइस इट वॉज सो अमेजिंग. और बहार जली अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी ज़्यादा फनी है. मेरे को लगा था उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी रिजर्वड सी है, बहुत मेच्योर सी, जैसे हमने फूशे वाले इंटरव्यू में देखा था, बट नहीं, ही इज़ वेरी फनी. ही इज़ वेरी फनी और ऑल्सो वो इतने चार्मिंग है, उनकी पर्सनैलिटी इतनी चार्मिंग है. ऐसा मन करता है कि जैसे वो उनका थोड़ा बड़ा इंटरव्यू देखे और उनकी बातें सुनते रहे. इस टाइप के वो पर्सन है. एंड मुर्तजिम के बारे में भी उन्होंने थोड़ी सी अपनी टिप्पणी दी, ये बताया कि अगर उनसे कोई बात मनवानी हो तो मनवाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, लॉजिक. Yes. और उन्होंने ये भी बोला कि जो इनके कैरेक्टर्स है वो इतने गुस्से वाले हैं, तो वो उनकी रियल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, और उनको गुस्सा भी आने लगा है. ओके गाइस, ये हमने पहली बार किसी इंटरव्यू में सुना है कि ऐसा भी होता है. yes. सही में पहली बार सुना है, मतलब ऐसा तो कभी किसी अभी तक हमने कुछ नहीं सुना. एंड उन्होंने एक चीज ये बताई जो वो इंटरव्यूअर थी, वो उन्होंने बोला कि उनके कॉस्ट्यूम्स उतने अच्छे नहीं थे, इतना वो नहीं था रिफ्लेक्टिंग, मतलब इतने अच्छे नहीं लगे ऑडियंस. बट अकॉर्डिंग टू अगर हम ऑडियंस की तरफ से बोले, मेरे को तो यार बिल्कुल परफेक्ट लगे. और लोग इतने ज्यादा दीवाने हो रखे हैं उनकी शॉल और कुर्ते वाले. एग्जैक्टली, हर वीडियो में बोलते हैं इतने ज्यादा दीवाने हो चुके हैं. आई डोंट थिंक कि कुछ भी कमी थी, मेरे को तो 100/100 मतलब परफेक्ट थे. मेरे को भी सेम, मतलब पूरा जो जो दोनों है यमुना जैदी और बहार जली, उनके जो कॉस्ट्यूम्स है वो इतने कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, इतने प्यारे लगते हैं साथ में. बल्कि जब हमने टीजर्स पर रिएक्ट करा तो हमने यही बोला था कि इनके कॉस्ट्यूम कितने सुंदर है. एग्जैक्टली, और उन्होंने एक चीज ये भी बोली कि जो उनका रिलेशन है मदर के साथ वो तो वैसे ऑन शो भी बहुत अच्छा, और पीछे से उन्होंने बताया कि जो उनका मदर का रोल जिन्होंने करा है वो दोनों मतलब वो उन्हें हंसाती रहती है और काफी ज्यादा शी इज वेरी फनी. एग्जैक्टली गाइस, तो मतलब काफी मजे की थी ये वाला इंटरव्यू. अभी हम पूरा देखने के लिए बहुत ज्यादा इंतजार है, लेकिन अभी इसकी छोटा सा एक क्लिप किसी और चैनल ने डाला है,
अगर इसके और क्लिप्स अभी निकलते हैं तो हम उस पे पक्का पक्का रिएक्ट करेंगे. यस, और आप अपने सजेशन हमें कॉमेंट्स में देते रहो ढेर सारे. एंड दैट वॉज अ रिएक्शन. सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू. बाय.